संसा पत्र पर विचार और राय पूर्ण रूप से व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के हैं और हमारी विचारों और राय को नहीं दर्शाते हैं। अनुभवी शिक्षक उपयोगकर्ता के लिए व्यक्तिगत है और जरूरी नहीं है कि वह इस उत्पाद के सभी उपयोगकर्ताओं के प्रतिनिधि हो। हम उनके उत्पाद उपयोगकर्ताओं के प्रशंसा पत्र को कॉल करने और उसी के लिए कंपनी से मुआवजा प्राप्त करने के लिए कंपनी से जुड़े हैं। जिन उपयोगकर्ताओं के प्रशंसा पत्र शामिल है उन्हें कंपनी आम से किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलता है। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, बहुत शानदार ट्रैक्टर की वीडियो आज आपके लिए लेके आया हूँ। और कुछ दिन पहले मेरे पास कमेंट आया था कि सोनालिका के 734 ट्रैक्टर का आप रिव्यू करो, तो एजेंसी में गया, वहाँ पे मुझे पता चला कि सूरतगढ़ के पास में किसान भाई हैं हमारे, उनको ये ट्रैक्टर दिया हुआ है। तो मैं उनके पास आ गया, ट्रैक्टर के बारे में बताऊंगा और किसान भाई इसको कितने समय से चला रहे हैं और उनको इस ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस कैसी लगी वो आज आपको बताऊंगा। रिव्यू प्लस ट्रैक्टर की नॉलेज आपको मिल जाएगी इस वीडियो में। तो हमारे साथ है किसान भाई निट्टा सिंह जी। क्या हाल है निट्टा भाई? तो कितना समय हो गया आपको ये ट्रैक्टर लिए हुए को? इसको हो गया 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने, अच्छा। तो कैसी लगी आपको ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस? ट्रैक्टर की बढ़िया, अच्छा है। अच्छा, तो इससे पहले आपके पास कौन सा ट्रैक्टर था? इससे पहले हमारे पास HMT था। HMT 40 बाई। अच्छा, उसके बाद स्वराज ले आए 735, ठीक है। तो उसके बाद ये सोनालिका भी लिया। अच्छा अच्छा 5-6 महीने हो गए अब आप सोनालिका लेके। तो कैसी लगी आपको इसको पावर ट्रैक्टर की? पावर ठीक, अच्छी है इसकी। अच्छा, और इंजन कैसा लगा इसका आपको? इंजन बढ़िया है, तेल का खर्चा ठीक है। अच्छा है। अच्छा, तो मेरे किसान भाइयों आपको मैं बता दूं, आपको इसमें 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा, बोस कंपनी का पंप लगा है इनलाइन, 2780 cc का आपको ट्रैक्टर में इंजन मिलेगा और 37 HP का ये ट्रैक्टर है। ठीक कहा मैंने निटा भाई? 37 HP के हिसाब से मेरे किसान भाइयों 2780 cc का इंजन मतलब बहुत ज़्यादा इंजन बड़ा मिल रहा है आपको। काफ़ी कंपनियां मतलब जैसे कि मैसी हो गया, अपने 50 HP के ट्रैक्टर में भी 2700 cc इंजन देती है, जॉन डियर अपने 55 HP के आसपास के ट्रैक्टर में भी 2900 cc का इंजन देती है। तो सोनालिका ने काफ़ी तकड़ा और अच्छा इंजन दिया है। तो चाल कैसी लगी आपको ट्रैक्टर की? बढ़िया इसमें। अच्छा, ट्राली के मामले में अच्छा काम देते हैं। अच्छा, ऐसे कि टिब्बों के मामले में ऐसा नहीं ट्राली फंस जाएगी निकले। हाँ हाँ, अरे डोली किराए में काम ठीक दे रहे हैं, चलो अच्छा दे रहे हैं। अच्छा, ऐसे 265 के मुकाबले का निकाला है। हाँ हाँ, 475 से ज्यादा काम दे रहे हैं। मेरे किसान भाइयों कंपनी ने इसको 37 HP, इनका कहना है कि 265 के मुकाबले और 475 से भी अच्छा आप बता रहे हो। काम दे रहे हैं। कोई कंपटीशन किया था 475 के साथ? 475 के साथ है, नहीं किया। ऐसे डोली किराए में जब जुड़ा, हाँ हाँ, तो तब पता चलता है भी डोली किराया 475 ट्रैक्टर खींचता नहीं। हाँ हाँ, तो इसने डोली किराया हमने लगाया खेत में। हाँ हाँ, बढ़िया काम देता, फुल भर के है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब 400 ना ही ऐसी बात है, अभी दबेगा ची बंद होगा। अच्छा अच्छा, वो दिक्कत भी नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, दबता नहीं है। और 475 लोड में आके बंद हो जाता है? ये बंद नहीं होगा। अच्छा, और किस में चलाया आपने इसको? अरे फिर उसके बाद हम मिनी कंपैन अखबारा निकालने वाले। अच्छा ठीक है, छोटा ट्रैक्टर 475 भी नहीं खींचता। अच्छा अच्छा, वो बंद हो जाता उसमें। अच्छा, तो हमने उससे 3 रुपए तो आपका अखबार निकाला। अच्छा, खुद का हो गया, कोई दूसरों को अखबार भी निकाल किराए पे हो गया। हाँ हाँ, कोई भी दिक्कत नहीं ऐसी आई भी खींचेगा नहीं। अच्छा, तो मतलब खुद के काम में भी दिक्कत नहीं है और किराए से अर्निंग भी आप कर रहे हो? ठीक है। और कोई इम्प्लीमेंट में चला के देखा आपने, हैरो वगैरह में, तवी वगैरह में? हैरो में चलाया था, शुरू पोत में हमारे पास हैरो नहीं थी। हाँ हाँ, तो हमने 16 की हैरो लेके। ठीक है, किसी की मोटे ट्रैक्टर वाले की मांग। हाँ, बड़े ट्रैक्टर। हाँ ठीक है, 16 की हैरो से नरमे वाली सिटी होती है ना। हाँ हाँ हाँ, उसको बा क्या है थी? अच्छा, नरमे के खेत में आपने जुताई की थी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया अच्छा चलता उसमें। अच्छा, वहीं पे दबा नहीं। हाँ हाँ, कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं आई। अच्छा अच्छा, उसके बाद हम 14 की हैरो लेके आए। हाँ हाँ ठीक है, पक्के बाड़ में 16 की हैरो में कोई भी दिक्कत नहीं आती। ठीक है, यहाँ पे मेरे किसान भाइयों ये देख लीजिए आप, रेतीली मिट्टी है, ट्रैक्टर अपने मतलब बैठ जाता है और ये कहते हैं कि 16 की आराम से ये चल रहा है, ये इन्होंने खुद चला के भी देखा है। तो पक्के खेत का इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पक्के खेत में 16 की ये आराम से खींचेगा, 16 की हैरों।
और इसका गियर सिस्टम आपको कैसा लगा ट्रैक्टर का? गियर सिस्टम ठीक है, गियर सिस्टम में कोई भी कमी ऐसी नहीं। अच्छा, मेरे किसान भाइयों देख लीजिए, आपको शानदार मीटर मिल रहा है, शानदार आपको स्टेयरिंग मिल रहा है और अच्छी क्वालिटी के आपको गियर मिल रहे हैं और 37 HP के हिसाब से कंपनी आपको इसमें ऑयल ब्रेक भी दे रही है, एक्सीलेटर पेडल रेस भी आपको पास में मिल जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर ओ PCDC लीवर भी आपको पास में मिल जाएंगे, ये PTO लीवर भी आपको पास में मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लंबे समय तक आप चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी कितनी है? तेल की टंकी इसकी है 45 की, 45 लीटर की टंकी मिल जाएगी आपको टक्कन की सेफ्टी के साथ। ये भी अच्छी बात लगी मुझे मेरे किसान भाइयों, शानदार ट्रैक्टर बनाया है कंपनी ने और यहाँ से आप बंद करके और वाटर सेपरेटर भी दिया है, ऑयल फिल्टर भी आपको मिल जाएगा तो तेल में मिलावट भी नहीं होगी, अच्छा तेल ही इंजन में यूज होने वाला है मेरे किसान भाइयों। बड़ा आपको रेडिएटर मिलेगा और ये देख लीजिए कूलेंट बॉक्स भी आपको मिल जाएगा। तो ट्रैक्टर को आप लंबे समय तक चलाते हो तो गर्म होने की कोई समस्या? कुछ भी नहीं होता। तो तभी 10 बीघे टिब्बों की जमीन बा के आए हैं। अच्छा, गर्म नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। तो टिब्बे ऐसे नहीं, प्लेन नहीं थे टिब्बे, पूरे चढ़ाई वाले थे। ठीक है नीची बहुत जमीन थी, 10 बीघे जमीन कम से कम बाकी है। अब देख लीजिए मेरे किसान भाइयों, राजस्थान में कुछ ऐसी जमीनें होती है ऊपर नीचे, और अगर ये सरसों पड़ी है, अगर मिनी कंबाइन से ये सरसों आप निकालो तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया खींचता है। मतलब आपने पहले निकाली हुई है? हाँ जी, पहले ग्वार निकाला हुआ है। अच्छा, ग्वार निकाला है, अब ये सरसों भी निकालोगे? ग्वार के गिल्ला सलाबा था थोड़ा। अच्छा, गिल्ला था तो मेरे को दूसरे ट्रैक्टर वाला बोला कि ये खींचेगा नहीं, सलाब है, हमने वो सलाब वाला ग्वार निकाल के कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मेरे किसान भाइयों, इंजन की पावर आपको किसान भाई कह रहे हैं काफ़ी अच्छी है, 37 HP के हिसाब से ये मतलब 42-43 HP के ट्रैक्टरों से मुकाबला कर लेता है। सही कहा मैंने, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर से बता दूं, 3 सिलेंडर इंजन, 2780 cc का इंजन मिलेगा, जहां तक मुझे आइडिया है। इतना बड़ा इंजन आपको इस HP कैटेगरी के हिसाब से शायद ही कहीं मिलेगा। अगर आपको कुछ पता है, कोई ट्रैक्टर में है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको 13 के टायर मिलेंगे ट्रैक्टर में, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इधर आइए नीता सिंह जी, पीछे से भी आपको काफ़ी एक्सल मिल रहा है और मज़बूत आपको लिंकेज मिल रही है। 37 HP के हिसाब से मेरे किसान भाइयों आपको 2000 kg की हाइड्रोलिक पावर मिल रही है, तो ये तो मैं कन्फर्म हूँ कि इतनी हाइड्रोलिक पावर आपको इस HP कैटेगरी के हिसाब से कहीं नहीं मिलेगी। एडजस्टेबल हुक मिलेगा, 3 सेंसिंग पॉइंट मिलेंगे और इसमें भी मैं कन्फर्म हूँ कि आपको ये डिस्ट्रीब्यूटर भी इतने छोटे ट्रैक्टर में कोई कंपनी नहीं देगी। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है, अभी ट्राली उठाने के लिए हाँ तो लिफ्ट की कोई दिक्कत नहीं पड़ती, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ इससे काम ले लेते हैं। हाँ तो इससे ट्राली उठ जाती है, इसी गिर जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार किसान भाइयों ऐसे होता है कि लिफ्ट उठा के ट्रॉली को ट्रैक्टर को आगे करना पड़ता है तो ट्रैक्टर में समस्या आ जाती है। हाँ, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, लिफ्ट नीचे की नीचे रहेगी और उससे अपने आप ट्रॉली उठ के खाली हो जाएगी। तो इतनी ज़्यादा हाइड्रोलिक पावर मिल रही है आपको ट्रैक्टर में, तो कोई डंफर ट्रॉली उठाने में कहीं कोई दिक्कत आई आपको? कोई दिक्कत नहीं आती, बड़ी अच्छा से उठाता है। अच्छा 3-4 इंच डाल के लेके आए हम। ठीक है, अच्छा बढ़िया, अच्छे से उठाया। और कोई हिस्से में कोई आवाज वगैरह और कुछ कोई आपसे लगा? नहीं आई, बहुत फंसी हुई ट्राली निकाल के लाए ट्यूबों से। अच्छा भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, कहीं से फंसेगा रुकेगा इसी ट्राली, कोई और दूसरा ट्रैक्टर नहीं निकालता, ये निकाल के लेके। अच्छा, तो ये भी बहुत अच्छी बात है मेरे किसान भाइयों। किसान भाई आप मतलब पूरा संतुष्ट हो ट्रैक्टर से, और ये आप लाइट पीछे से ही जला पाएंगे, ये देख लीजिए, ये भी अच्छा फीचर है मेरे किसान भाइयों। बड़े टायर आपको मिल रहे हैं 37 HP के हिसाब से, 13 के टायर कंपनी दे रही है। साइड इसके पहले 12 के थे। हाँ तो 12 के टायरों में सर थोड़ा इतना आता रेते में बैठ जाते हैं। हाँ, छोटे टायर होने की वजह से। अच्छा रेते में स्लिप निकालते हैं और नीचे बैठते ज्यादा। हाँ, तो
हमने 13 के टायर चेंज करवाए, 13 के चेंज करवाए, 13 के टायर बढ़िया अच्छा काम देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 13 के टायरों में ज्यादा दबेगा। हाँ हाँ, ऐसा भी कोई। तो मेरे किसान भाइयों, किसान भाई की तरफ से मैं सोनालिका अगर कंपनी के वीडियो देख रहे हैं ये, तो किसान भाई ने एक ये सजेशन दिया है आपको कि आप 13 के टायर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो 12 के थे, अभी 13 के कंपनी दे रही है। और ये देख लीजिए, हाइड्रोलिक पंप मिल जाएगा आपको, एक फिल्टर ये रहा और एक फिल्टर ये रहा, दो फिल्टर मिलेंगे, तो साफ ऑयल ही यूज़ होगा मेरे किसान भाइयों। और ये आप देख लीजिए, ये आपको 24.3 मैक्स पीटीयू पावर मिल रही है और ओरिजिनल पीटीयू पावर आपको 32.59, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है मेरे किसान भाइयों। 4.5 HP का ही ड्रॉप हो रहा है और ये 260 की आपको SFC मिल रही है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। तो बहुत शानदार सिस्टम है ये, हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये, और ब्रेक मारेंगे तो ये तार खींच जाएगी और पीछे के जो इंडिकेटर हैं वो जल जाएंगे, अगर पीछे से कोई आ रहा है तो उसको भी पता लग जाएगा कि ब्रेक मारे हैं किसान भाई ने और हादसा बच जाएगा। हैवी बम्पर मिलेगा, हैवी बड़ा चूल्हा कंपनी दे रही है, तो आगे लिफ्टिंग की कोई दिक्कत है भाई, आगे कोई ट्रैक्टर उठता कोई है? कोई भी दिक्कत नहीं, नहीं उठता आगे से? नहीं, कुछ नहीं, आगे से बहुत कम उठता है, बहुत कम उठता है। तो ये भी है दिया है, 475 से ट्रैक्टर कम उठता है, 475 आगे से ज्यादा उठता है, ये नहीं उठता। ठीक है, तो मतलब आप मोटा मोटा ये कहना चाह रहे हो, बारी बारी आप 475 कह रहे हो, ये कंपनी ने 37 HP का बनाया है और आप इसको 42 HP मान के चल रहे हो और उतना ही इससे काम ले रहे हो जो 42 HP से ज्यादा ही काम दे रहा है। अच्छा, उससे ज्यादा ही दे रहा है, तो देख लीजिए मेरे किसान भाइयों, ये जो भी कहा है किसान भाई, झूठ तो नहीं बोल रहे आप, देख लो खुद ने किया है। अच्छा, खुद जो किया है वही बता रहे हो आप? जो किया हमने, जो जैसे 16 तवी टिब्बो में 10 बीघा जमीन बाग के हैं, शुरू हो रहे हैं, पहले हमारे पास 14 की तवी नहीं थी, इसलिए हमको मांग के लानी पड़ी, वो 16 की थी। अच्छा, वो 16 की थी, इसलिए फिर हमने टिब्बो में बाया, मतलब वो 16 की भी खींच ली, खींची जब बाग के, जब तब पता चला तो ये खींच सकता है, खींच सकता है, खींच रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अच्छा, उस टाइम इसके टायर 12 के थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, इतना थोड़ा 12 के टायरों में स्लिप निकालता है। अच्छा अच्छा, तो छोटे टायर हैं तो मिट्टी में ज्यादा बैठ रहे थे, बैठ रहे थे, तो फिर आपने 13 के लगवाए, 13 के टायर लगवाए। ठीक है, और कोई, और कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं, फिर उसके बाद हमने 12 निकाला। अच्छा, कंपैन मिनी कंपैन में हम खुद निकाल के हैं इसी ट्रैक्टर से। अच्छा, हमारे को पता है, तो अलग से कुछ नहीं बता रहे? कुछ नहीं, अलग से नहीं बता रहे। हमने कुछ जमीन लिया आपके, हमारे पास है, उसमें डोली किराया लगाया, तो उसमें भी किराए में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जमा इतनी रे, इससे ही ज्यादा रेतली जमीन। अच्छा अच्छा, तो ये देख लीजिए मेरे किसान भाइयों, मिट्टी हाथ से ही निकल रही है, ये देखिए, अभी तो थोड़ी बारिश हो रखी है तो वो चक्कर में, बाकी राजस्थान में इसलिए तो बैठ जाता है जमीन में ट्रैक्टर, और ये कह रहे हैं अभी ये अच्छा ट्रैक्टर है, बैठा नहीं और इस जमीन ट्रैक्टर को खींच लिया। तो मेरे किसान भाइयों, शानदार ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर की जो बाकी स्पेसिफिकेशन रह गई या फिर जो भी सारी स्पेसिफिकेशन है वो वीडियो पे आ रही है। और एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूँ, किसान भाइयों को आप इस ट्रैक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें एक है भी, जैसे छोटा ट्रैक्टर है, हाँ, खर्चा छोटे ट्रैक्टर जितना है, अच्छा, और काम मोटे ट्रैक्टर जितना ही कर रहा है, मतलब 44 HP 43, हाँ, इतना काम कर रहा है, ठीक है। और जैसे आशे का खर्चा होता है आयशा ट्रैक्टर, हाँ जी, वैसे इसका खर्चा कम है, 275 का जितना खर्चा इतना ही खर्चा है, और काम मोटे ट्रैक्टर जितना दे रहा है। अब 275 है तो 14 की तवी नहीं खींचता, नहीं खींचता, और इसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक है, तभी मैं डोली किराए में। और जैसे कोई 3,000-3,500 ईंट डाल के लेते हैं, रेतली जमीन में वो ट्रैक्टर नहीं निकलते, बैठ जाती है, ठीक है, निकालते नहीं, ठीक है, ऐसी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब आप कहना चाहोगे कि एक बार ये ट्रैक्टर आप यूज करके देखे, हर किसान भाई को कहना चाहोगे? 734 ट्रैक्टर है ये, सोनालिका का बहुत शानदार ट्रैक्टर है। वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फ्री है। काफ़ी सारे किसान भाई वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है मेरे किसान भाइयों, फिर मिलेंगे नई वीडियो, नए ट्रैक्टर, नई जानकारी के साथ।
एक आवश्यक सूचना जो है सोनालिका के नए कदम को लेकर। सोनालिका ट्रैक्टर्स ने अपने ट्रैक्टर्स की कीमत वेबसाइट पर ऊपर कर दी है। अब किसान भाई अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल से सोनालिका की वेबसाइट पर जाकर अपने मनपसंद सोनालिका ट्रैक्टर की कीमत के बारे में जानकारी ले सकता है। यह कदम जरूरी है, ट्रैक्टर्स की कीमतों में पारदर्शिता लाएगा और किसान भाई के लिए फायदेमंद साबित होगा। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।